नाजरीन, हिंदुस्तान के आइन के तहत 1979 ईस्वी के सेशन के दौरान कुछ कम्युनिटीज़ को मखसूस दर्जा देकर शेड्यूल ट्राइब्स डिक्लेयर किया गया, जिनमें दर्दशीन कम्युनिटी को अपनी ज़बान के लिए ये ST स्टेटस दिया गया। 1979 से लेकर आज तक हर मखसूस तबके को ये खुसूसी इख्तियार मिल रहा है। सिर्फ मेरे ज़िला गांधरबल के तहसील कंगन में रहने वाले दर्दशीन कम्युनिटी के लोगों को ST स्टेटस नहीं मिल रहा है। नाजरीन, तकरीबन 4000 दर्दशीन फैमिलीज़ इस वक्त कंगन में सुकूनत वजीर है, जिन्होंने तिलेल बांडीपुरा से तर्क सुकूनत करके यहाँ पिछले 6 दहाइयों से आबाद है। जैसे कि ट्राइबल अफेयर्स जो हमारा होता है, वहाँ पे कुछ गिने चुने ज़बानें जो है वो गिनी जाती है और उसमें दर्शिन ज़बान भी आती है। दर्शिन ज़बान वो ज़बान है, जिस तरह आप भी जानते होंगे, हमारे नाज़रीन भी जानते होंगे, दर्शिन ज़बान से ही, मादरी ज़बान से निकली है कश्मीरी ज़बान, यानी कि कश्मीरी ज़बान उसके बाद आई है। तो कहीं ना कहीं जो शीना कम्युनिटी है, दर्शिन जो ज़बान है वो बहुत पुरानी ज़बान है। जब उनके साथ ऐसे एहतसाल किया जाएगा, उसी वजह से हमारे काफ़ी नौजवानों ने गलत रास्ते भी उठाए हैं और आगे भी बहुत ख़तरा थे, क्योंकि लोग हमारे नौजवान पढ़ लिख के जब घरों में रहेंगे तो जो पढ़ा लिखा दिमाग होता है उसमें काफ़ी सारे जो शैतानी ख्याल आते हैं वो अलग अलग गलत स्टेप्स उठा सकते हैं। देखिए, ये जो बेसिकली हमारा दर्शीन कम्युनिटी का जो मसला है, पिछले कई दिहाइयों से, मैं कहूँगा कई दिहाइयों से ये यूँ का तू ही पड़ा है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से एक ही वो तहसील है जो कंगन तहसील है, जहाँ पे दर्शीन कम्युनिटी को ST जो है नहीं दिया जा रहा है। हालाँकि हमारी जो ST है, शीना कम्युनिटी की जो ST है, वो उनकी ज़बान के लिए दी जाती है, न कि उनके जो है एरिया के लिए दी जाती है। अगर हमने तर्क सुकूनत तिलेल गुरेज से तर्क सुकूनत की थी, वहाँ के कई सारे वजूहत थे, रोड की वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी और उसकी वजह से हमने यहाँ पर तर्क सुकूनत की थी। बाकी अगर वहाँ से तर्क सुकूनत करके श्रीनगर के अलग अलग जगहों पे लोग रहते हैं, उनको ST मिलती है, बाकी तहसील में, बाकी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को तहसील जो है उनको ST मिल रही है, लेकिन एक वाहिद तहसील कंगन का तहसील है जहाँ पे हमें ST इजरा नहीं की। और जो हमारा ये पूरा इलाका है, आप देखेंगे अभी भी हमारी जो देश बेस है, पूरा हमारा जो रहन सहन है, पूरा हमारे देखिए कपड़े भी हमारे वही है, हम लोग जो है अभी पहनते भी पोशाक भी वही है, खाना पीना हमारा सब कुछ वही है, हमारा जो बात करने का अपनी ज़बान है वो हम कर रहे हैं। जब हमारी ज़बान हमारे साथ लगातार है तो हमसे ये हक़ क्यों छीना जा रहा है? ख़ासतौर पर जो हमारे नौजवान हैं, हमारे नौजवानों ने काफ़ी तालीमें हासिल की है और वो अपने घरों में बैठे हुए, वजह एक ST की है। ना हमें तो अभी कंगन का एक तहसील है जहाँ पे ना हमें ST में गिना जाता है, ना RBA में गिना जाता है, ना किसी और कैटेगरी में गिना जाता है। ये हुकूमत की एक सोची समझी साजिश थी, एक चाल थी, कुछ एक तबके को उन्होंने जो है पूरा पीछे धकेल दिया। इसी तबके के साथ आज तक पिछले कई दिहाइयों से लगातार हमारे साथ जो है साजिशें होती आ रही है। हमने बहुत बार प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में भी हमने प्रोटेस्ट किया, हज़ारों बार, लाखों बार हमने प्रोटेस्ट किया कि हमारा हक हमें दे दो। पॉलिटिकल इशू की वजह से, पॉलिटिकल दबाव की वजह से हमारा जो हक है वो बंद रखा गया है कि हमें हमारा हक जो ST हमारा हक दर्दशीना को मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। जनाब, हमें जो है हमारे आउटसाइड्स बाकी जो तहसील हैं, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हमारी, जैसे गांधरबल में हमारा हक जो है वहाँ पे जो हमारे रिलेटिव, हमारी ज़बान बोलने वाले, दर्दशीना बोलने वाले, उनको वो हक मिल रहा है गांधरबल में। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात है, गांधरबल की। ये कंगन जो है, बाकी जो कश्मीर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी तहसील हैं, वहाँ हर कहीं जगह पे ये हक मिल रहा है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कंगन में मिल क्यों नहीं रहा है? डेमोक्रेसी में कि हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट है, ये हमें हक दिया गया है कि ST हमारा हक है। हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि हमें हमारा ये हक मिलना चाहिए।